क्या आपने जस्ट 10th और 12th क्लियर किया है? क्या आप डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं? क्या आप नीट JEE की बेस्ट और अफोर्डेबल क्लासेस ढूंढ रहे हैं? IITians Learns, मुमरा की नंबर 1 क्लासेस हेडेड बाय मोहम्मद शहजाद त्यागी सर। IITians Learn में थाने डिस्ट्रिक्ट या मुंबई का हर स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है। स्टूडेंट्स फ्रॉम कलवा, थाने, डोंबिवली, भिवंडी, दीवा, कुर्ला और ऐरोली सभी एडमिशन ले सकते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपको नीट और JEE एग्जाम्स को क्रैक करना है तो जस्ट आफ्टर 10th और 12th स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। 11 नीट IIT JEE ड्रॉपर्स और रिपीटर्स के लिए न्यू बैच की शुरुआत 15 मई से हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए IITians विजिट करें या दिए गए नंबरों पर कॉल करें। मामूली बात को लेकर ट्रैफिक वार्डनों ने की रिक्शा चालक से मारपीट, ट्रैफिक कार्यालय में ले जाकर जमीन पर पटक कर भी पीटा। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शनिवार 10 जून शाम के समय मुमरा ट्रैफिक विभाग के सामने रूटीन जो चेकिंग अक्सर की जाती है, वाहनों की चेकिंग, रिक्शा चालकों की चेकिंग, इस चेकिंग के दौरान एक विवाद हो गया। हसमुद्दीन नाम का रिक्शा चालक अपने साले जान मोहम्मद के साथ जा रहा था। जान मोहम्मद पीछे बैठा हुआ था, रिक्शा रोक करके जब लाइसेंस बैज आदि की ट्रैफिक वार्डन ने मांग की, उस मांग के दौरान कुछ बात हुई, उस पर आरोप है कि ट्रैफिक वार्डन ने हसमुद्दीन को गाली गलौज की। जान मोहम्मद ने उसका विरोध किया, जिस पर ट्रैफिक वार्डन ने उससे मारपीट करना शुरू की। इस मारपीट में अन्य ट्रैफिक वार्डन भी जुड़ गए। इतना ही नहीं, फिर इस विरोध करने वाले रिक्शा चालक हसमुद्दीन का जो साला है जान मोहम्मद, ये भी रिक्शा चालक है, उसको किस तरीके से ट्रैफिक विभाग कार्यालय में ले जाया गया और वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और फिर अंदर जो है हसमुद्दीन के कहने के मुताबिक, जान मोहम्मद के कहने के मुताबिक, जान मोहम्मद का एक अन्य भाई है रिक्शा चालक, वो भी वहां पहुंच चुका था। इनके कहने के मुताबिक जमीन पर गिरा करके जान मोहम्मद को ट्रैफिक वार्डनों ने, लगभग 6 से 8 लोग थे ये, इन सभी ने मिलकर लातों घूसों से जान मोहम्मद को मारपीट की। अंत में ट्रैफिक विभाग के सीनियर PI खेड़ेकर ने इस पूरे मामले को जो है समंजसता से लेते हुए इन रिक्शा चालकों से माफी भी मांगी, वार्डनों से भी माफी मंगवाई और उससे संतुष्ट होकर के हसमुद्दीन और जान मोहम्मद ने किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई करने से इनकार किया है। मगर ये दबंगई जो है ट्रैफिक वार्डनों की और ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की, ये किस तरह की दबंगई है? आप वाहनों के कागजात जांचने के बहाने किसी भी वाहन चालक से इस तरह से मारपीट कैसे कर सकते हैं? आपके अगर बुरे बर्ताव को, आपके गलत व्यवहार को अगर कोई विरोध करता है तो क्या आप उसके साथ इसी तरह से मारपीट करेंगे? उम्मीद है कि थाने पुलिस आयुक्तालय के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इसका संज्ञान लेंगे और इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है आपका? हसमुद्दीन अली। अच्छा, क्या कैसे विवाद हुआ ट्रैफिक कार्यालय के सामने? मेरे को ट्रैफिक गार्डन ने मेरे को रोका। रोकने के बाद में मैंने लाइसेंस दिखाया, बैच दिखाया। दिखाने के बाद मेरा साले से बोला, मैं गाड़ी खड़ी कर रहा था, फ़ोन आया, मैंने अटेंड कर लिया। उसके बाद अटेंड करने के बाद मैं बात करने लगा, वो मेरे साले को गाली देने लगा और मुझे पहले गाली दिया, फिर मेरे साले को गाली दिया। आपका साला आपके पीछे ही बैठा था? हाँ, मेरे पीछे बैठा था। अच्छा, फ़ोन आप चलते ऑटो रिक्शा में इस्तेमाल किए या खड़ी गाड़ी में? मेरे को ट्रैफिक गार्डन ने रोका था। अच्छा, रोक के बात कर रहा है, मतलब मुझे किस बात पे हुई? मैं फोन कर रहा था, मैं थोड़ा हंस के बात कर रहा था और उसका ईगो हाई हो गया। अच्छा, मारपीट हुई है क्या? हाँ, मारपीट हुई। मेरे साले का पूरा साइड फटा हुआ है और सब कुछ है। अभी कहाँ है? पूरा इधर लाल वाल है, अंदर है चौकी के। अच्छा, अंदर लेके गए क्या? अंदर? हाँ, अंदर भी मारे। किसने मारा अंदर? अंदर किसने मारा? जिनके साथ लोग जो ट्रैफिक गार्डन थे ना, उनके। कितने वार्डन हो गए, कुछ आइडिया है आपको? लगभग कितने लोग? लगभग 6 से 7 लोग। सब वार्डन ही थे? हाँ, सब वार्डन थे। 6 से 7 लोगों ने मारा? हाँ, कोई ट्रैफिक लोग हवल्ला नहीं था। इधर से ले जाने के टाइम पे भी मारा? हाँ, इधर से ले जाते ही मारता अंदर। क्या नाम तुम्हारा? जान आलम। कैसे, क्या हुआ था? झूठ? गाड़ी भाई चला रहा था। हाँ, भाई साहब ने पकड़ा। हाँ, फिर क्या हुआ आगे? बोलते हैं जा निकल, बोला जा रहा हूँ तो आवाज़ चल रहा है, तो गाली दिया। कितने गाली दिया? ये बंदा खड़ा है। क्या नाम है, किसने गाली दिया उसको? पूछो क्या नाम है। एक मिनट, फिर गाली दिया। बोला भाई गाली मत दे, भाई है मेरा, खराब लगता है, कोई भी रहेगा खराब लगता है। बोला गाली मत दे, तो इतने में हाथ चलाया,
अच्छा। जितने भी थे मैंने सकल किसका नहीं देगा, बहुत से थे अच्छा। सब आके मारपीट कर रहे, शर्ट पकड़ के फाड़ दे, पूरा अंदर लिख के चले उसको अंदर, इधर आके सब मैं ऐसा पढ़ाऊ, मैं ऐसा पढ़ाऊ, ये लोग रात से चला रहे। अच्छा, यहाँ भी मारा गया, यहाँ पे गिरा के मारा, सब ऑर्डर लोग ही थे, सब ये लोग थे जो लोग के साथ नहीं थे, सब मैं ऐसे पढ़ाऊ, ये लोग रात से चला रहे। बाद में वो साहब आके उधर से बोले छोड़, अभी आके लोग ने छोड़ा। कितने लोग मार रहे थे? अभी मैं सकल नहीं देख रहा हूँ, मैं ऐसा पढ़ाऊ साहब, लात घुसे पड़ रहे मेरे को। फिर भी लगभग कितने लोग हो गए आपके साथ? कम से कम 5-6। आपने क्या देखा? आपने क्या? मैंने ये देखा, मेरा नाम शहनवाज आलम, मैं इसका बड़ा भाई हूँ। मैंने जब इसको मार खाते देखा, मैं पैसेंजर लेके जा रहा था स्टेशन, मैंने गाड़ी उधर ही रोका, मैं इसको बचाने लगा। मैं जिसको भी ऐसे पकड़ रहा हूँ ना, वो हिंसक होते ही चला जा रहा है, फिर मुझे भी मारने लगे और मुझे भी अंदर खींच के लिए मेरे कान पे इतनी जोर से मारा है किसी ने, मुझे भी बराबर नहीं सुनाई पड़ रहा इधर से। और ये देखो, ये भी सूजा हुआ है, ये कोई तरीका है मारने का? और इसको इधर गिरा के लातों घूसों से मार रहे, बताओ हालत देखो उसका क्या करके रखा। हाथ में लेके खड़े रहो, हाथ में ये हाथ में लेके खड़े रहो, दोनों हाथ में लेके खड़े रहो, जोर से बोलो। ऐसा ऐसा नीचे बोलो भाई, जोर से बोलो। अरे आप क्या बोलेगा? ये मेरा लाइसेंस है, ये मेरा बैच है, सब पेपर क्लियर है। हाँ, सब पेपर क्लियर है, मेरी गाड़ी ओके है, मैं परमिट होल्डर हूँ। यही दिखाया था उसके बावजूद उन लोगों ने हाथापाई, ये सब दिखाया था इसके बावजूद ट्रैफिक वार्डन वालों ने आपके साथ हाथापाई, हाथापाई की, क्योंकि मैं बहन की गाली थी।